Hello guys, welcome back to another vlog on my YouTube channel. I know you all might be thinking, you all might be complaining कि मैं इतने टाइम से कहाँ गायब हूँ, but जैसा कि आप सबको पता ही होगा और मैं आपको बता दूँ कि मेरे 12th क्लास जो है स्टार्ट हो चुके हैं, तो मुझे स्कूल, ट्यूशन और स्पेशली एनसीसी से बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती कि मैं व्लॉग्स बना सकूँ. बट कुछ दिनों पहले जो है बाहर से मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड आई है, शी इज़ माई सोल सिस्टर, उसका नाम वैशाली है और उनके साथ मैम भी आए हैं. उनका आज का प्लान है कि हम गुलमर्ग जाएं और उनने मुझे कहा कि आप भी हमारे साथ आ जाओ. सो मैंने सोचा कि इन मोमेंट्स को क्यों ना एक व्लॉग में कैप्चर किया जाए जो हमेशा हमारे लिए मेमोरेबल होंगे और मैं एक व्लॉग भी अपलोड कर लूँगा. तो अभी मुझे फटाफट से तैयार होना है. दे विल बी वेटिंग फॉर मी इन 10 to 20 minutes नियर PCR. सो मैं जल्दी से तैयार होकर आता हूँ, जल्दी से फ्रेश होकर आता हूँ. तब तक के लिए आप बने रहिए इस व्लॉग में. तो गाइज अभी हम हो चुके हैं फर्स्ट क्लास रेडी और हम जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए. वो हमारा PCR के पास वेट कर रहे हैं. तो आप इस व्लॉग में बने रहिए, आज बड़ा मजा आने वाला है. तो चलिए चलते हैं. हाँ तो गाइज अभी मैं मिल गया वैशाली से और मैम से, तो अभी हम जा रहे हैं गुलमर्ग की तरफ. तो चलिए चलते हैं. तो गाइस फाइनली वी हैव रीच गुलमर्ग. मेरे साथ है वैशाली और हमारे साथ है मैम. तो नाउ आई विल शो यू द शॉर्ट व्यू ऑफ द सीनरी, बने रहिए. नजारे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी फोटोग्राफी चल रही है मैम और विशु की. हाँ, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं व्यू एंड आई होप दे विल लाइक द प्लेस. गाइस अभी हमने गुलमर्ग देख लिया है और मैं चाचा के साथ जा रहा हूँ हॉर्स राइडिंग के लिए. पीछे मैम है राजा बुलबुल की सवारी करते हुए और वैशाली है बादल की सवारी करते हुए और इसका नाम है बिजली. तो चलिए चलते हैं और घूमते हैं गुलमर्ग इन पे. गाइज अभी हम थोड़ा आगे आ चुके हैं फ्रॉम द मेन रूट. वो देखिए पीछे हमारे चल रहे हैं हमारे दो साथी. अभी हमें 6 points देखने हैं जिनमें जो है मिशन कश्मीर जहाँ पे मूवी शूट हुई थी वो पॉइंट भी आएगा. तो वहाँ पहुँच के आपको दिखाएंगे कि कैसा लगता है. हमारे साथ है चाचा, चाचा को करते सलाम और बढ़ते हैं आगे. गाइज यहाँ से कुछ दूरी पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है गुलमर्ग चिल्ड्रन पार्क और अभी भी हम हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं. आई होप पीपल आर इंजॉइंग मैम. तो अभी हम आगे चल रहे हैं. यू कैन सी द सीनरी, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल. एज वी से गर रोए जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो ब्यूटी विद द बीस्ट. हाँ गाइस टुवर्ड्स आवर लेफ्ट इट्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड विंटर स्पोर्ट्स. जब भी विंटर में गुलमर्ग में जो स्पोर्ट्स खेले जाते हैं तो जो बाहर से बच्चे आते हैं वो वहीं स्टे करते हैं. ये यहाँ पर रिसेंटली शायद 1-2 साल पहले बनाया गया, तब से पहले इसका कंस्ट्रक्शन ही चल रहा था. अभी बहुत सही बना है. इसके अंदर 310 कमरे हैं. ये जानकारी वैशाली जी को भी है ना. तो अभी हम और यहाँ पर है हाई ऑल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल, एक बोर्डिंग स्कूल है गुलमर्ग में आर्मी का. ये आप देख सकते हैं ये सारा एरिया जो है इसने कवर कर रखा. अभी हम चल रहे हैं आगे हमारी बिजली के साथ. तो चलते हैं, देखते हैं कहाँ ले जाते हैं ये रास्ते हमें. तो हम यहाँ पे चारों तरफ से पहाड़ों से गिरे हुए सड़क पे हॉर्स राइडिंग का मजा करते हुए. मेरे पीछे है विशु जी, समक्ष बादल और मैम है राजा बुलबुल की सवारी करते हुए. अभी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत समा है यहाँ का. इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर बस इस तरह
काफिराना सा है इश्क है यार क्या है हमारा हॉर्स राइड जो है खत्म होने वाला है और बहुत ही ज्यादा एंजॉयबल था। विशु आपको मजा आया? बहुत ज्यादा मजा आया इसको बादल की सवारी करने में। तो अभी इस जगह पे हम स्टॉप करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस अभी हमने हॉर्स राइडिंग कर ली है कंप्लीट। अभी हम लेटे हैं यहाँ पे और मस्त नजारे को देख रहे हैं, आसमान को देख रहे हैं, क्योंकि हम सच में बहुत ज्यादा थक गए, बहुत ज्यादा। अभी अगर कुछ और देर हम घोड़े पे बैठे रहते तो हमको शायद तीनों को डिस्क हो जाती। अभी हम रेस्ट कर रहे हैं, बने रहिए आप भी व्लॉग में, आगे बहुत मज़ा आने वाला है। बाय बाय गाइस। हमने अभी रेस्ट भी कर लिया, गुलमर्ग पूरा एक्सप्लोर कर लिया, हॉर्स राइडिंग भी कर ली, अभी पीछे शूटिंग चल रही है, मैं भी देख रहा हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं। अभी इसके बाद हम जाएंगे अपनी गाड़ी की तरफ और फिर चलेंगे घर। तब तक के लिए बने रहिए। सो गाइस फाइनली बहुत देर के बाद इनकी रील मेकिंग फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी हम जा रहे हैं उधर पार्किंग की तरफ, वहाँ पे गाड़ी और चलते घर की तरफ, क्योंकि हमने गुलमर्ग पूरा देख लिया है। अब चलिए चलते हैं। चलो हमने कर लिया है गुलमर्ग पूरा एक्सप्लोर, अभी हम चल रहे हैं घर की तरफ विद विशु एंड मैम। तो विशु ने गाड़ी भगा ली है, अभी हम चलते हैं घर की तरफ और आपको भी रास्तों में नजारे दिखाते हैं, मिलते हैं। सो गाइस अभी हम रुके हैं गुलमर्ग से श्रीनगर के रास्ते में एक जगह जिसका नाम है मून व्यू रेस्टोरेंट। अभी हम यहाँ पे लंच करेंगे, देख सकते हैं आप कि कैसी ये दो मेन्यू सिलेक्ट कर रहे हैं। तो पहले हम करते हैं लंच, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो मिलते हैं। तो गाइस अभी हमने मस्त खाना खा लिया है पेट भर के, तो अभी चलते हैं वापस घर की तरफ क्योंकि इनको कुछ शॉपिंग भी करनी है और हमने गुलमर्ग देख भी लिया है। तो अभी जाते हैं घर, बने रहिए। So guys, अभी इन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया, अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, तो बनी रहिए हमारे व्लॉग में, बाय बाय। So guys, after this very hectic day, we have finally reached home and I'm literally feeling very tired. मैं बहुत ही ज्यादा थका हुआ हूँ और मेरे फोन की बैटरी भी बहुत कम बची है। सो आज के इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड फॉर मोर व्लॉग्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आई कॉन्ट एश्योर वेन द नेक्स्ट व्लॉग विल कम, बट वेन इट विल कम यू आर ऑल्सो गोना एन्जॉय दैट। सो स्टे ट्यून टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।